नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एमपी कोटा से संबंधित ढेर सारे सवाल रोजाना कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछे जाते हैं, जैसे कि एमपी कोटा का मतलब क्या होता है, एमपी कोटा के तहत कितने बच्चों का दाखिला हो सकता है, यदि एमपी कोटा के तहत बच्चों का दाखिला करवाने के लिए माता पिता एमपीजी से सिफारिश करेंगे तो क्या उन्हें फॉर्म भी भरने पड़ेंगे, यदि बच्चों का दाखिला एमपी कोटा के तहत होगा तो क्या माता पिता को बच्चों की फीस भी भरनी पड़ेगी, एमपी कोटा के तहत कितनी कक्षाओं तक बच्चों का दाखिला हो सकता है, एमपी कोटा के तहत क्या बच्चों को कोई लिखित पेपर भी देना होगा तभी उनका दाखिला होगा, एमपी कोटा के तहत यदि बच्चों का दाखिला होता है तो क्या न्यूनतम और अधिकतम उम्र से संबंधित जो नियम है क्या प्रिंसिपल उसमें छूट देगी या नहीं, इससे संबंधित ढेर सारे सवाल रोजाना मुझसे पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें एमपी कोटा से संबंधित सभी सवालों का जवाब मैं आपके लेकर आऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप कम से कम समय में प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ एमपी कोटा से संबंधित सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 10 सवालों के जवाब आपके लिए आज लेकर आई हूं। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित नई जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ हमेशा से आपके लिए लाती रही हूँ। साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ एक घंटी का निशान होगा जिसे हम बेल आइकन कहते हैं, आप उसे भी प्रेस जरूर करिएगा। सब्सक्राइब बटन का मतलब है कि आप सबकी शिक्षा की वीडियोस देखना चाहते हैं, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन का मतलब यह है कि आप सही समय पर सबकी शिक्षा की वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब कि जैसे ही मैं यहां से कोई भी वीडियो रिलीज करूंगी उसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। इसीलिए मैं आप सभी से यह अपील करती हूं कि सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहला सवाल एमपी कोटा से संबंधित कि एमपी कोटा का मतलब क्या है। देखिए, मैं आसान से आसान शब्दों में आपको एमपी कोटा का मतलब बताने की कोशिश करूंगी। एमपी कोटा यानी कि एक ऐसा आरक्षण जिसमें एमपीजी यानी कि जो आपके निर्वाचन क्षेत्र के सांसद हैं, सांसद जी आपके बच्चों का दाखिला करवाने के लिए सिफारिश करेंगे केंद्रीय विद्यालय की। एमपी कोटा का मतलब एमपीजी आपके बच्चों की सिफारिश करेंगे। सिफारिश कैसे करेंगे? उन कूपन से जो ने केंद्रीय विद्यालय संगठन जारी करेगा, उन कूपन के माध्यम से वो केंद्रीय विद्यालय में अपने निर्वाचन क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चों के नाम की सिफारिश करेंगे। और जब सांसद जी आपके बच्चों के नाम की सिफारिश करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए गए कूपन से, तो केंद्रीय विद्यालय वाले उस सिफारिश को मना नहीं कर सकते, बशर्ते बच्चे से संबंधित जो न्यूनतम अधिकतम उम्र से संबंधित जो नियम है वह पूरे हो रहे हैं। मतलब कि फिर से बताती हूं, एमपीजी के माध्यम से दाखिले की सिफारिश को हम एमपी कोटा कहते हैं, और सिफारिश का तरीका कोई लिखित लेटर नहीं होता, कोई नोटपैड पर लिखा कोई पत्र नहीं होता, जो माध्यम होता है वह होता है केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए गए एमपीजी को कूपन। तो आज का दूसरा सवाल, एमपी कोटा के तहत कितने बच्चों का दाखिला हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार देश के जितने भी एमपी हैं, जितने भी माननीय सांसद हैं, उन सभी को 10 बच्चों की सिफारिश के लिए कूपन केंद्रीय विद्यालय संगठन देता है। मतलब कि हमारे देश में जितने भी एमपी हैं वह 10-10 बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगी यहां पर कि वह 10 बच्चों का दाखिला तो करवा सकते हैं, लेकिन उन्हीं केंद्रीय विद्यालयों में जो उनके निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। यदि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र में वह बच्चों की सिफारिश कर सकते हैं कूपन के माध्यम से, लेकिन आमतौर पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही करते हैं सिफारिश, क्योंकि आमतौर पर हर निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय है। अब आज का तीसरा सवाल, एमपी कोटा के तहत यदि दाखिला होता है
तो क्या माता पिता को बच्चों की फीस देनी पड़ती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, फीस तो देनी पड़ेगी, क्योंकि एमपी कोटा कोई ऐसा कोटा नहीं है, कोई ऐसा आरक्षण नहीं है जो आपको इसलिए मिल रहा है कि आपके सालाना आय कम है या फिर आप किसी ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिन्हें बहुत समय से आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल रहे। एमपी कोटा का मतलब है कि एमपी जी आपकी सिफारिश कर रहे हैं, आपने एमपी जी से बात करी, आपने उन्हें कहीं ना कहीं कन्विंस करा, इस बात से संतुष्ट करा और इस बात का भरोसा दिलाया कि आप हमारे बच्चे का नाम आप फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, देश का नाम रोशन करेगा और आपका भी नाम रोशन होगा क्योंकि आपने हमारे बच्चे की सिफारिश करी है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को फीस में रियायत मिले। इसीलिए यदि आपके बच्चे का दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से होता है तो आपको जो फीस केंद्रीय विद्यालय की है वह देनी पड़ेगी। अब आज का चौथा सवाल कि एमपी कोटा के तहत कौन सी कक्षाओं में बच्चों का दाखिला हो सकता है। यह सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली से नौवीं कक्षा तक दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से हो सकता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं का दाखिला में दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से हो सकता है। दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं में एमपी कोटा के माध्यम से दाखिला नहीं हो सकता है। अब आज का पांचवा सवाल, यह सवाल ही बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हम एमपी जी से मिले और उन्होंने बोला कि मैं 10 बच्चों को ऑलरेडी रिकमेंड कर देता हूं, कर चुका हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं आपके लिए, क्योंकि मैं बच्चों की सिफारिश 10 बच्चों की कर चुका हूं, 10 बच्चों को रिकमेंड कर चुका हूं, तो मैं आपके लिए क्या करता हूं कि एक लेटर पे लिख देता हूं, एक अपने नाम की चिट्ठी भेज देता हूं केंद्र विद्यालय में, आप वो चिट्ठी ले जाइए और मैं इसमें लिख दूंगा कि इस बच्चे को दाखिला दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कूपन मिलते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन कूपन रिलीज करता है, उसके अलावा किसी भी और तरह की सिफारिश एमपी जी के माध्यम से केंद्र विद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। इसीलिए आप इस तरह के बहकावे में मत आए। यदि सांसद जी के पास, एमपी जी के पास उनके कूपन खत्म हो गए हैं तो आपको कोई और तरीका देखना पड़ेगा अपने बच्चों के दाखिले का। एमपी जी के माध्यम से आपके बच्चों का दाखिला ऐसी स्थिति में नहीं हो पाएगा। यदि वो कहते हैं आपको मैं लेटर लिख दूंगा, मैं अपने नोटपैड पर कुछ लिख दूंगा, मैं चिट्ठी भिजवा दूंगा, मैं उस बंदे को भिजवा दूंगा, मैं फोन कर दूंगा, तो आप इस तरह की बातों में नहीं आए। अब आज का छठा सवाल, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हम एमपी कोटा के माध्यम से अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं, हमने एमपी जी से बात भी करी है, तो आप हमें बताइए कि क्या जब फॉर्म निकलेंगे तो क्या हम फॉर्म भरें? तो इसके जवाब में मैं आपको कहना चाहूंगी आप फॉर्म जरूर भरें। चाहे आपका बच्चा पहली कक्षा में दाखिला लेने जा रहा है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, दूसरे और से ऊपर की कक्षाओं में दाखिला लेने जा रहा है तो ऑफलाइन फॉर्म भरें, लेकिन फॉर्म भरें, फॉर्म जरूर भरें। क्या पता आपके बच्चे का नाम बिना एमपी जी की सिफारिश से ही आ जाए, इसीलिए कहना चाहूंगी आप फॉर्म जरूर भरें। और यदि बच्चे का नाम नहीं है तो एमपी जी से ऑलरेडी आपने बात करी ही हुई होगी। अब एक और सवाल जो आजकल लोग बहुत पूछ रहे हैं कि मैम आप बताइए एमपी जी से कब मिले, एमपी जी से हम बात कब करें, सांसद जी से हम बात कब करें कि हम अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे की सिफारिश करें केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी की गए कूपन के माध्यम से। तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप सांसद जी से एक बार मिलेंगे और वह याद रखेंगे कि उन्होंने आपके बच्चे का नाम की सिफारिश करनी है कूपन के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से गलत होंगे। ऐसी स्थिति में आपको बार बार उनसे मिलना पड़ेगा, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि जी मैं पहले भी आया था, मैं आज भी आया हूं, मैं आगे भी आऊंगा। आपको याद रखना है कि आपको अपने 10 कूपन में से एक कूपन मेरे बच्चे के नाम केंद्रीय विद्यालय में भेजना है, आपको यह बार बार याद दिलाना पड़ेगा। तो ये मत कहिए कि मैं फरवरी में मिलूं या मार्च में मिलूं, कब मिलूं, आप जल्द से जल्द मिलिए और बार बार मिलिए। अब आज का आठवां सवाल, क्या जिन बच्चों की उम्र अधिकतम उम्र से ज्यादा है या फिर जिनकी न्यूनतम उम्र से कम उम्र है, एमपी कोटा के माध्यम से उन बच्चों का दाखिला हो सकता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। उम्र से संबंधित जो नियम है वह बहुत ज्यादा जरूरी है और उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसीलिए
आपका बच्चा यदि न्यूनतम उम्र से कम उम्र का है या अधिकतम उम्र से ज्यादा उम्र का है तो एमपी कोटा के माध्यम से भी आपके बच्चे का दाखिला नहीं होगा, क्योंकि एमपी कोटा के माध्यम से एक नियम है। नियम यह है कि उन्हीं बच्चों का दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से हो सकता है जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय दाखिले के संबंधित जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो उम्र संबंधित नियम है, जो कागजात है, वह सब पूरे हो तभी एमपीजी की सिफारिश चलेगी, वरना नहीं चलेगी। अगर कागजात में कमी है, बच्चे की उम्र में कमी है या कोई और परेशानी है तो ऐसी स्थिति में एमपीजी के रिकमेंडेशन, एमपीजी की सिफारिश का भी आपको फायदा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि एमपीजी से बात ही ना करें, क्योंकि आपका समय भी वेस्ट होगा और अगर आपने उन्हें कन्विंस कर लिया तो उनका भी एक कूपन बर्बाद होगा। अब आज का नौवा सवाल कि एमपीजी से बच्चे की सिफारिश के लिए क्या उन्हें कोई पैसा देना पड़ता है? जी हाँ, ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें कोई पैसा देना पड़ता है या कुछ देना पड़ता है ताकि वह हमारे बच्चे की सिफारिश करे। तो जी नहीं, आपको कुछ भी नहीं देना, आपको कुछ नहीं देना। आपको उनसे बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से और बहुत तमीज से बात करनी है। आपको उन्हें बताना है कि आपके बच्चे में काबिलियत है, आपका बच्चा आगे बढ़ सकता है, और आपका बच्चा आगे बढ़ेगा तो एमपीजी का नाम भी आगे जाके बढ़ेगा, प्रसिद्ध होगा कि उन्होंने रिकमेंड करा था, देखिए बच्चा कितना आगे निकल गया, देश का नाम बढ़ेगा। वह अच्छे, आपको बताना है कि हमारा अच्छा परिवार है, अच्छे परिवार से मतलब एक शरीफ परिवार है, किसी भी तरह की नॉन सोशल एक्टिविटी में, गलत गतिविधियों में आप कभी उनसे जुड़े नहीं थे, कभी उनमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो इस तरह की बातें आपको उन्हें बतानी है, उन्हें समझाना है, और आपको किसी भी प्रकार का फेवर नहीं करना, उन्हें पैसे नहीं देने आपके बच्चे की दाखिले के लिए, सिफारिश के लिए। अब आज का आखिरी सवाल कि यदि ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मैम हम एमपी कोटा के माध्यम से अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं तो क्या साल में कभी भी करवा सकते हैं? तो इसका जवाब है, साल में कभी भी दाखिले नहीं होते। दाखिले एक तयशुदा समय तक ही होते हैं। जब भी दाखिला प्रक्रिया शुरू होती है, केंद्रीय विद्यालय संगठन एक आखिरी तारीख डिसाइड कर देता है, एक आखिरी तारीख निश्चित कर देता है कि यह आखिरी तारीख है, इसके बाद दाखिले नहीं होंगे। तो आमतौर पर यह आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। तो यह मानकर चलिए कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन दाखिले की आखिरी तारीख डिसाइड करेगा, जो आखिरी तारीख मानी जाएगी दाखिले की एमपी कोटा के माध्यम से, भी उसी तारीख तक आप अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवा पाएंगे, उसके बाद दाखिले नहीं होंगे। और आपको एमपीजी को यह बात भी कहनी होगी कि यदि वे अपने कूपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और दाखिले की आखिरी तारीख निकल गई तो उनके कूपन भी बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको उन्हें समझाना है, उन्हें कन्विंस करना है। और एमपी कोटा के माध्यम से ये थे 10 सवालों के जवाब जो मैं आज आपके लेकर आई हूं। और मेरी कोशिश करिए सभी सवाल जो आप मुझसे पूछते हैं उन्हें इस 10 सवालों की लिस्ट में जोड़ूं। फिर भी यदि कोई भी आपके मन में सवाल है जो मैंने इन 10 सवालों में नहीं इंक्लूड करा है, 10 सवालों का हिस्सा नहीं बन पाया, कोई ऐसा सवाल आपके मन में है तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, कोशिश करूंगी उस पर भी मैं वीडियो आपके लेकर आऊं। जाते जाते फिर से कहना चाहूंगी कि बढ़ते हुए सबकी शिक्षा के परिवार का हिस्सा बने, और साथ ही सबकी शिक्षा के माध्यम से जारी हो रही, रिलीज हो रही वीडियोस का आप लाभ उठाएं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।